हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पिछली वीडियोस से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने पिछली वीडियोस में मैंने कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई करके नहीं देखा था, बट मैं इस बार जो भी प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया था नायका से, मैंने सारे प्रोडक्ट का आपको बता दिया था, बट मैंने अप्लाई करके उसका अपना व्यू शेयर नहीं किया था। देन आज मैं वापस से इसको अप्लाई करने के बाद आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। एंड मेरे वीडियोस को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड दूसरों से शेयर भी करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा था आईब्रो पेंसिल। मैं आईब्रो पेंसिल के बारे में आपको बताने वाली थी कि ये स्लिस ब्यूटी का है, जो कि कॉम के साथ आता है। मैंने इसको परचेज़ किया था क्योंकि मैं अभी तक कोई भी आईब्रो पेंसिल नहीं, मैं आई शेडो पैलेट से ही काम चला लेती थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना एक आईब्रो पेंसिल ले लिया जाए अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। तो ठीक है, अच्छा है, एकदम नेचुरल लुक देता है आफ्टर अप्लाइंग। मैंने इस टाइम अप्लाई भी कर रखा है, ये आप देख ही रहे होंगे। एंड सेकेंड प्रोडक्ट है मेरा कंसीलर। मैंने इनसाइड का कंसीलर ऑर्डर किया था, जो कि इनसाइड SD कंसीलर हाई डिफिनेशन कंसीलर है। और मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा क्योंकि पिगमेंटेशन एंड डार्क सर्कल्स को हाइड काफ़ी हद तक नहीं करता। इट मीन्स बहुत शेयर कवरेज इसका है, सो मैं दोबारा इसे परचेज नहीं करूँगी। एंड आपको अगर अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं, मुझे तो पसंद नहीं आया। एंड थर्ड प्रोडक्ट है मेरा लिप लाइनर स्विस ब्यूटी का, जो कि मैं लिप लाइनर अप्लाई की थी। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, बट धीरे धीरे अपने आप ही निकलता जाता है। सो काम चलाऊँ कह सकते हैं। अब कम प्राइस में क्या लोगे यार, मतलब हद। एंड मैं इनसाइड का आई शेडो ग्लिटर है, लिक्विड में फॉर्म में है ये ग्लिटर। एंड मैंने आपको बताया था, आप मेरे आईज पे लुक एट दिस। मुझे इसका ब्लेंड जो करने का वो था, मतलब ब्लेंड इजी वे में नहीं हो रहा है, बड़ी परेशानी होती है ब्लेंड करने में, क्योंकि लिक्विड आई शेडो नॉर्मली एक बार स्वेचेस लगा के मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया था लगाने पे नॉर्मल लग जाता है, बट ये तो एक साइड से लगाओ दूसरी साइड से उसी एप्लीकेटर से लगाते समय ही निकलता जाता है। तो कुछ खास नहीं लगा मुझे। एंड आप लोग देख लीजिए मेरे आईज पे, देखने में ज़रूर खूबसूरत लग रहा होगा, बट बड़ी मुश्किल से मैंने ये इसको यूज़ किया है, क्योंकि दोबारा मैं नहीं मंगाऊँगी इसको, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली। बट पिगमेंटेशन काफ़ी है और वाटर रेजिस्टेंट भी है, बट मुझे नहीं अच्छा लगा। ओके, मैंने लिपस्टिक को अभी मैंने उसको लगाया नहीं, तो सो मैं उसके रिव्यू नहीं कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए माई ग्लैम लिपस्टिक का, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू।